अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन के। बेसिकली रिस्पायरेशन होती क्या है, तो आज मैं आपको रिस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। तो आपने गौर से सुनना है कि व्हाट इज रिस्पायरेशन। बेसिकली रिस्पायरेशन क्या होता है कि एनर्जी हासिल करने का एक प्रोसेस है, और सेल के अंदर एनर्जी हासिल करने के प्रोसेस को हम सेलुलर रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। और आगे इसकी भी दो बड़ी टाइप्स हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन को समझने से पहले मैं आपको इसको कुछ ओवरव्यू दे दूं। तो लेट्स स्टूडेंट, व्हेन वी बर्न फ्यूल देन इट यूज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब हम किसी फ्यूल या ईंधन को जलाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमें एनर्जी हासिल होती है। किसकी वजह से? क्योंकि जब हम किसी को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, और उसके नतीजे में हमें एनर्जी हासिल होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। हीट और लाइट की शक्ल में हम एनर्जी लेते हैं जब किसी ईंधन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है। तो यह हो गया फर्स्ट। इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक सी एच बॉन्ड इन फ्यूल मॉलिक्यूल। तो इन दिस बर्निंग प्रोसेस, इस जलने के अमल में ऑक्सीजन क्या करता है कि उस फ्यूल या ईंधन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका सी एच हाइड्रोकार्बन बॉन्ड, सी एच मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, इस तरह का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है, इसको यहाँ से टूट जाता है। तो ये किसकी वजह से है? ये ऑक्सीजन की वजह से है। तो सेम लाइक दिस ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक द सी एच बॉन्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स। और सेम इसी तरह क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जानदार हैं जो अपनी खुराक के मॉलिक्यूल के सी एच बॉन्ड तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? प्लांट हो गए। प्लांट भी अपने मॉलिक्यूल्स में मौजूद सी एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज बॉर्न कॉल्ड एटीपी। और इस जलने के अमल से और इस प्रोसेस से, रिस्पायरेशन से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है। कौन सी एनर्जी मिलती है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन सेल कॉल्ड द सेलुलर रिस्पायरेशन। और क्या होता है कि एनर्जी हासिल करने का तरीका का, या एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस इन सेल के अंदर एनर्जी हासिल करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। और सेलुलर रिस्पायरेशन से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है जिसको हम एटीपी का नाम देते हैं। तो रिस्पायरेशन की आगे मजीद दो टाइप्स हैं। तो लेट्स स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। फर्स्ट देखें एरोबिक रिस्पायरेशन एंड सेकंड है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है कि सेल के अंदर एनर्जी हासिल करने का तरीका कार जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, हम उसको एरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। और ऑन द अदर हैंड कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। तो आज मैं जस्ट आपको एरोबिक रिस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट दूंगा, दैट इज वेरी शॉर्ट, और एनारोबिक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लंबा सा टॉपिक है, तो इसको कल हम एज अ लेक्चर लेंगे। तो लेट्स स्टूडेंट, आज हम एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ेंगे और कल हम एनारोबिक रिस्पायरेशन को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पायरेशन, द सेलुलर रिस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। के सेलुलर रिस्पायरेशन एनर्जी सेल के अंदर एनर्जी हासिल करने के अमल में जो ऑक्सीजन की मौजूदगी हो रहा है, हम उसको सेलुलर रिस्पायरेशन या एरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन, ऐसा सेलुलर रिस्पायरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, हम उस सेलुलर रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ग्लूकोज है, ये प्लांट की एग्जांपल है। प्लांट जो ग्लूकोज इस्तेमाल करता है अपनी एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है, ये एनर्जी कैसे लेता है? प्लांट एनर्जी कैसे लेता है? अपने किए हुए मॉलिक्यूल से, ये उनके ब्रेक डाउन करवाता है। किसके थ्रू ब्रेक डाउन करवाता है? रिस्पायरेशन करवाता है। तो लेट्स स्टूडेंट देखते हैं, यह ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के अमल में जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ग्लूकोज बना और उसके साथ एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बना, तो क्या कर रहा है? रिस्पायरेशन क्या कर रहे थे एरोबिक रिस्पायरेशन में? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा, और जब ऑक्सीजन इसमें इस्तेमाल होगी तो क्या होगा, ये ग्लूकोज के अंदर सी एच बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा।
जब ये CH बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो आगे पाइरूवेट एसिड में चेंज हो जाएगा, और पाइरूवेट इसकी मजीद जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है, तो उससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, और इन द लास्ट क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। और बेसिकली हम इससे ये देखते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन एक ऐसा अमल है, सेल के अंदर एक ऐसा अमल है जिसमें हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करते हैं। तो लेट्स स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इस चीज़ की ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवा के एनर्जी हासिल करनी है, यह है एरोबिक रिस्पिरेशन। और एरोबिक रिस्पिरेशन में आपको पता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, तो इसको तोड़ने के लिए हम ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो इससे क्या होता है कि हमें ये CH बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और इसमें क्या होगा, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अलग होगी, और वाटर अलग हो गया, और एनर्जी हमें हासिल होगी। तो ये होगा एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करते हैं। तो देखते हैं इन फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन के फर्स्ट फेज में क्या होता है, 6C ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू पाइरूवेट एसिड ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है कि ये पहले फेज में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, उसका CH बॉन्ड टूटता है और दो पाइरूवेट एसिड में चेंज होता है, दो पाइरूवेट एसिड मतलब 3-3 कार्बन वाले दो पाइरूवेट एसिड में ग्लूकोज चेंज होता हो जाता है। और फिर क्या होता है, एंड इन नेक्स्ट फेज देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट एसिड, इन रिजल्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर एंड ऑल एनर्जी ऑफ पाइरूवेट एसिड इज रिलीज। तो इसमें क्या होता है, तो पाइरूवेट की अगर मजीद कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा दी जाती है, और हमें उससे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, एंड ऑल एनर्जी ऑफ पाइरूवेट एसिड, तो पाइरूवेट एसिड की तमाम एनर्जी हमें हासिल हो जाती है। तो ये हो गया एरोबिक रिस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट। तो नए स्टूडेंट, कल जो हमारा टॉपिक हुआ वह एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो जी स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय लेक्चर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल फॉर द न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोस। ओके गाइस, थैंक यू।